इस्लामाबाद तरनौल का एरिया जो है ये पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी है हैवी मशीनरी के लिए। देखने में तो लोगों को लगता कि ये स्क्रैप है, लेकिन हमारे लिए ये एक गोल्ड की शक्ल है। हम इन मशीनों से मदनियात निकालते हैं, इनसे मार्बल निकालते हैं, डैम्स बनते हैं, इनके लिए रोड्स बनते हैं, इनके लिए कोई भी बड़ा प्लाजा होता है तो इनकी सबसे पहले ये हैवी मशीनरी ही जाती है। और खुदा ना खास्ता कोई जलजला वगैरह आ जाता है तो वहाँ भी हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नाला लई में कोई मसले आ जाते हैं, फौरी तौर पर सबसे पहले हैवी मशीनरी ही जाती है। हमारे पास यहाँ हर किस्म की मशीनें हैं, जैसे ड्रिलिंग डैमों में इस्तेमाल होती हैं वो मशीनें हमारे पास हैं, ग्रेडर्स, रूलर्स, यहाँ तक कि हर किस्म की मशीनरी हमारी इस मंडी में मिल जाती है। यहाँ मशीनें ज़्यादातर अफगानिस्तान भी जाती हैं, 98% तकरीबन यहाँ से अफगानिस्तान मशीनें जाती हैं। यहाँ कुछ और स्पेयर पार्ट जो है ना बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। हमारे पास इंजीनियर भी हैं, मैकेनिक भी हैं, हमारे पास पूरे इनके टूल्स हैं, इनकी मशीनों की पूरी यहाँ इंजन से लेके पूरी मेंटेनेंस होती है ना। ये जो लोकल मार्केट है ये आम मार्केट से बहुत सस्ती है, हमारी बहुत लो चार्जिंग होती है, तो ज़्यादातर हमारे पास वो काम लेके आते हैं बंदे, कंपनियाँ लेके आती हैं। यहाँ कुछ ट्रेनिंग स्कूल भी बने हुए जो मशीन को, ये जो ऑपरेटर हैं पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको वो ट्रेनिंग देते हैं कुछ दिनों की, उसके बाद वो बेहतर हो जाते हैं, फिर वो दुबई अबूजबी में जाते हैं तो उनका रोज़गार बहुत अच्छा लग जाता है। यहाँ से जो है ना मशीनरी पूरे पाकिस्तान में चलता है और यहाँ ये मशीनरी जो है ना हर जगह पे काम करता है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में काम करता है, फतेह जंग में काम करता है, गिलगत में काम करता है, पाशा डैम में काम करता है, ममन डैम में काम करता है, हर जगह ये मशीनरी काम करता है। सिर्फ मशीनरी की वजह से मशहूर है और पूरा पाकिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ काम करते हैं। यहाँ मशीनरी खरीदता भी है, बेचता भी है और काम पे लगाना भी है।